मैं पहली बार अमृतसर आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम गोल्डन टेम्पल, तो दर्शन बहुत अच्छा रहा और ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत कुछ मैंने सीखा था और मैंने देखा था, तो मतलब लोग भी मुझे बोल रहे थे कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या है, इसके हिस्ट्री क्या है, कैसा है, तो बहुत अच्छा लगा और ज़रूर मैं फिर से वापस आऊँगी। एंड दर्शन भी बहुत अच्छा चला। थैंक यू सो मच। अभी फ्यूचर में तो ओलंपिक्स है, तो ओलंपिक्स के पहले अभी टूर्नामेंट्स है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आई होप आई डू वेल। आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि नशे की तरफ बढ़ रही है लोग, नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे की ओर बढ़ रही है, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब पता चलना है कि क्या कर रहे हैं और पेरेंट्स भी उनको बोलना है। कभी कभी यंगस्टर्स कैरी अवे हो जाता है, तो वो राइट पाथ में जाने के लिए वो लोग मतलब बहुत कुछ, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर पीपल आर कमिंग अप एंड टेलिंग, सो आई होप दैट शुड स्प्रेड, द वर्ड शुड स्प्रेड कि मतलब हमारे सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ आ रहा है कि कैसा रहना है, क्या है, हाउ यू शुड अवॉइड इट। तो आई थिंक यंगस्टर शुड लर्न फ्रॉम दैट, एंड आई एम श्योर अभी बहुत लोग ने देख रहे हैं, सीख रहे हैं और वो वर्ड स्प्रेड कर रहे हैं, तो आई होप एवरीबडी विल बी क्लीन एंड आई होप दे विल लिव अ हेल्दी लाइफ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आजकल लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी, तो इसीलिए मतलब मैं बीइंग एन एथलीट मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि हर एक रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करना है, सो दैट यू विल स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी। Subscribe to One India channel and never miss an update.